हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट। आई एम योर मेंटल एबिलिटी टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट ड्रिल 6। इससे पहले बच्चों, बिफोर टाइमिंग मैंने आपको 1 to 5 तक ड्रिल करवा दी थी, अब जो है ड्रिल 6 करेंगे, ठीक है। और इसके पहले जो बच्चों मैंने होमवर्क दिया है वो आप कम्प्लीट कर लेना, अगर नहीं किया हो तो कर लेना, ठीक है। अब ड्रिल 6 स्टार्ट कर रहे हैं। कैन नॉट मेक इट आउट, नहीं हो सकता। मेक इट आउट तो पूरा करें, ठीक है ना। तो विच क्यूब कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द गिवन ओपन डाइस, मतलब कौन सा क्यूब, ये डाइस ओपन करने पर कौन सा क्यूब नहीं बन सकता, ठीक है ना। ये डाइस आपको दे रखे हैं तो ओपन करने के बाद कौन सा नहीं बन सकता है। सर्कल द आंसर, आपको इन 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर में सर्कल बनाना है, ठीक है, समझे, ठीक है। अब बच्चों एग्जाम्पल के रूप में देखो, ये डाइस को पूरा ओपन कर रखा है, ठीक है। अब इसमें से कौन सा नहीं है, नहीं बन सकता है डाइस का पार्ट, वो आपका इसमें बी बता रखा है। देखो ये स्लैश है ना, ये वाला पार्ट है और ये वाला, तो आपको पता है डाइस के ऊपर ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन आएगा, न कि आपका इस टाइप से आएगा, ठीक है, और ये उल्टा डी नहीं आएगा, तो आपका इसमें ये बी बता रखा है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, प्रॉब्लम से, जिसमें ये डाइस पूरा ओपन कर रखा है। अब कौन सा ओपन जो नहीं बन सकता, क्यूब का पार्ट नहीं बन सकता, तो ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो देखो ये पार्ट जो बता रखा है, ये वाला, तो इस डायरेक्शन में ये नहीं आएगा। ये वाला डाइस का पार्ट बन सकते हैं बट ये नहीं बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड वाला, इसको भी पूरा ओपन करके अब इसका पार्ट कौन नहीं बन सकता है, तो आपका डी वाला ऑप्शन नहीं बनेगा, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपकी, जो पूरा ओपन, तो ये जो ओपन करने पर ये नहीं बन सकता है, तो आप ई पर सर्कल बनाओगे और फर्स्ट वाले में ए पर सर्कल बनाओगे, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका, ये ओपन वहां पर डाइस कर रखी है, अब कौन सा नहीं बन सकता डाइस का पार्ट, ये वाला बन सकता है, ठीक है ना। इसमें एरो का क्रॉस दे रखा है, दस ये वाला भी बन सकता है और ये वाला भी बन सकता है, ठीक है, देन ये वाला भी बन सकता है, ई वाला जो पार्ट है वो आपका नहीं बन सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एरो का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दे रखा है, तो ये आपका पार्ट नहीं बन पाएगा। फोर्थ है आपका, वापस से डाइस को ओपन कर रखा है तो कौन सा पार्ट नहीं बन सकता है आपका, ये वाला बन जाएगा, ये वाला भी बन जाएगा, सी वाला है जो ये नहीं बन सकता है क्यूब का पार्ट, ठीक है बच्चों, डी और ई बनेगा आपका, तो सी वाला पार्ट आपका इसका नहीं बन पाएगा पार्ट क्यूब का, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5, ये बच्चों आपको सॉल्व करना है, ठीक है, आपको इसमें से सर्च करना है कि कौन सा वाला जो क्यूब है वो इसका पार्ट नहीं बन सकता है, ओपन डाइस नहीं हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्रिल 7, कंप्लीट द लार्ज स्क्वायर। अब ये जो लार्ज स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर बना हुआ है, उसको कंप्लीट करना है, पूरा करना है। विच शेप और पैटर्न कंप्लीट द लार्जेस्ट स्क्वायर, सर्कल द आंसर। अब कौन सा पैटर्न जो है लार्ज स्क्वायर को कंप्लीट करेगा, इसमें आपको आंसर के अंदर सर्कल बनाना है। अब जैसे एग्जांपल के रूप में आपका ये स्क्वायर दे रखा है और इसका पार्ट दे रखे हैं, इस पार्ट में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसको कंप्लीट कर सकता है, तो इसमें सम एग्जांपल पे ये वाला नहीं हो सकता है, ये वाला क्योंकि इधर से एड होगा तो नहीं बन सकता है ना, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला बनेगा, क्योंकि इसमें जो है बच्चों चारों कॉर्नर जो है लेफ्ट कर रखे हैं, तो अपन ये वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। और ये जो लाइनिंग इस तरह से हॉरिजेंटली है, तो ये हॉरिजेंटली लाइनिंग अपन देखेंगे, ठीक है, तो ये ई वाला इसमें कलेक्ट कर रखा है। नेक्स्ट अब आपकी प्रॉब्लम्स है, ये वापस से स्क्वायर के अंदर आपका पैटर्न दे रखा है, अब इसको कंप्लीट करना है। अब देखिए बच्चों, इसका डायरेक्शन ये आपने देख लिया, अब इसका जस्ट अपोजिट साइड देखिए, ये आपको प्रॉब्लम दे रखी है। अब इस डायरेक्शन से अपन अंडरस्टूड होंगे कि इसमें क्या आना चाहिए। अब ये वाला पार्ट जैसे इसका डायरेक्शन इस तरफ है और इसका डायरेक्शन इस तरफ है, मीन्स ये राइट साइड में है और ये लेफ्ट साइड में है, तो वैसे अब अपन ये वाला पार्ट देखेंगे जो विदाउट कलर का होगा, ये दिस पार्ट में, मतलब ये लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में अपने को सर्च करना है, तो लेफ्ट सर्च वाला, तो ये आपका बी वाला पार्ट होगा, ये वाला होगा नहीं, आपका ये बी वाला पार्ट होगा,
है ना, ये राइट डायरेक्शन में है और ये वाला पार्ट इधर, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ये वाली हो गई, है ना। नेक्स्ट, अब सेकंड है आपका, ये देखिए बड़ा सर्कल है, फिर सेकंड जस्ट छोटा दे रखा है इसका पार्ट और स्क्वायर और फिर इसका जस्ट पार्ट, तो आपको समझ में आ गया कि जब इसका छोटा ये इसका बड़ा सर्कल इसका जस्ट अपोजिट छोटा दे रखा है तो इसका भी नेचुरली छोटा ही होगा, है ना। और फिर लाइनिंग में भी आप देखिए इस टाइप से और इस टाइप से लाइनिंग दे रखी है आपका, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा होगा इसमें, ये जैसे दोनों डायरेक्शन में बने हुए हैं तो इस डायरेक्शन में भी दोनों डायरेक्शन में आना चाहिए आपका, है ना। तो इसका जस्ट जो आंसर है वो ई वाला बनेगा आपका आंसर, ठीक है, क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट दे रखा है और ये वाला पार्ट, तो ई वाला इसमें आएगा आंसर, ठीक है। ये वाला नहीं आएगा आपका, ए वाला नहीं आएगा, सी वाला ही आएगा आपका, सॉरी ई वाला किया यहां पे सर्कल। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका, वापस से आप पैटर्न देखिए बच्चों, दिस येलो एंड रेड एंड इसको ब्लैंक छोड़ रखा था, ये ब्लैंक ब्लैंक वाले सामने हैं और ये कलरफुल वाला जो ऊपर का डायरेक्शन येलो में दे रखा नीचे, तो इसका जस्ट अपोजिट साइड ये वाला नहीं, ये वाला हो सकता नो, दिस नो, दिस नहीं, दिस यस, ये वाला आपका पार्ट होगा अपोजिट का जस्ट पार्ट, ई वाला, तो ई वाले पे आपको सर्कल बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फोर्थ प्रॉब्लम्स, अब बेटर इनको देख के इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब अपने को कैसे पता करना है बच्चों, इसको हाइड करोगे और एक इसको हाइड करोगे, जब अपने ने इनको हाइड किया तो सेम पैटर्न आपको कहाँ दिख रहा है, आप देखो ये जो आपकी ब्लैंक चारों तरफ प्लस ये और ये लाइन, ये वाली पोजिशन और ये वाली पोजिशन आपको सर्च करनी, तो ये वाली पोजिशन और ये वाली पोजिशन आपके नहीं होगी आपकी, क्योंकि इस वाले डायरेक्शन में ये नेट इधर आ रहा है, ये नेट वापस इधर आ रहा है, तो आपका करेक्ट पोजीशन जो ये ई होगी। तो वो सेम पैटर्न है, ये हॉरिजॉन्टल ये एंड ब्लैंक एंड ये और दिस पैटर्न, तो दिस पैटर्न कंप्लीट यहां होगा आपका, है ना, कहां होगा यहां पर होगा। नेक्स्ट आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन मैंने आपको बच्चों एचडब्ल्यू में दिया है, ये आपको सेल्फ करना है, ठीक है, डू सेल्फ, ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। और लास्ट जो ड्रिल सिक्स था, ठीक है ना, उसमें भी आपको लास्ट वाला क्वेश्चन सेल्फ करना है, ये एचडब्ल्यू मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ड्रिल नंबर है एट, इसमें भी दे रखा है कंप्लीट द ग्रेट स्क्वायर, अब बड़े जो स्क्वायर को आपको कंप्लीट करना है, कैसे करोगे, विच शेप और पैटर्न कंप्लीट द ग्रेट स्क्वायर सर्कल द आंसर। अब ग्रेट सर्कल का कौन सी ऐसी शेप है जो आपको कंप्लीट करेगा इस वाले स्क्वायर को, ठीक है, तो आपको इस पे सर्कल बनाना है, तो कौन सा पैटर्न है जिसको ये ग्रेट स्क्वायर को कंप्लीट करेगा, अब आप यहां से पता लगाओगे, है ना। तो फर्स्ट वाला पार्ट जो आपका डायरेक्शन बनेगा तो आपका इसमें आंसर ए दे रखा है, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन यहां पे आएगी आपके, समझ गए। नेक्स्ट सेकेंड वाली फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, ये आपको मैंने एग्जांपल में समझाया है। अब प्रॉब्लम फर्स्ट है आपकी, आपने जस्ट ऊपर वाले फर्स्ट लाइन में देखिए, ये आपका डाउन है, ये अपसाइड, ये वापस से राइट साइड, वैसे ही वापस इसमें क्या दे रखा है आपका, ये वापस से राइट साइड डाउन साइड और यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ब्लू सब में तीनों में क्या आना चाहिए, ब्लू कलर का ऐसा सर्कल आना चाहिए इस टाइप का, तो आपका ये वाला पैटर्न जो होगा वो सी, ठीक है। अब जैसे ये पे राइट है डाउन है तो अप वाला डायरेक्शन यहाँ पे आएगा, तो ये आपके सी के सामने सी के ऊपर आपको सर्कल बनाना है, समझ गए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका स्क्वायर के अंदर, यहां से आपको वापस से हाइड करके पता करना है, इस टाइप से आप हाइड करोगे मतलब छुपा के पता करोगे, तो इसका जस्ट डायरेक्शन जैसे ये क्रॉस दे रखा है तो इसका जो जस्ट पार्ट सामने वाला वो आप यहाँ पे सर्च करोगे, तो इसका जो पार्ट बनेगा वो ई वाला बनेगा आपका, ठीक है।
क्योंकि देखो ये कॉर्नर वाला पार्ट, देखो ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है आपका ये क्रॉस कर रखा और ये ट्रायंगल बना, तो ये वाला पैटर्न जस्ट और जस्ट इसको हाइड करके हमने देख लिया, तो ये वाला पैटर्न अपने यहां आना चाहिए। तो ये वाला पैटर्न जस्ट कहां दे रखा, सेम यहां दे रखा है, तो ई पे आपको सर्कल बनाना है, समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट स्क्वायर को देखिए आप, इसमें ये दिस लाइन टू सर्कल एंड दिस, एंड वापस से दिस एंड दिस एंड दिस दिस एंड दिस, तो ये वाली जो लाइन इसको डैश में बताएगा, ये स्क्वायर को थ्री में पार्ट करेगा, तो ये वाली चीज अपने यहां आनी चाहिए, समझ गए? तो आपका ये वाला पार्ट इसमें देगा नहीं है, इसमें नो नो नो, तो जस्ट इसकी जो कर्व लाइन जो दिख रही है वो यहां है आपके, तो बी हो जाएगा आपको, तो बी के ऊपर आप सर्कल बनाओगे तो आपका ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आया बच्चों? इस तरीके से आपका को ये जो पैटर्न है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इस स्क्वायर को भी आपको कंप्लीट करना है, तो बच्चों ये वाला वापस से आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ, है ना, ये आपको होमवर्क में दे रही हूँ और डू सेल्फ लिख रही हूँ, ये इसको आपको सेल्फ सर्च करना है, पैटर्न का पता लगा के जैसे मैंने लगा बताया आपको वैसे हाइड करके आप पता करोगे और इसको कंप्लीट करोगे, ठीक है? नेक्स्ट है आपका ड्रिल नाइन, ड्रिल नाइन कंप्लीट द सुपर स्क्वायर। अब जो है सुपर स्क्वायर मतलब वही वाला पैटर्न चल रहा है आपका जो अपन स्क्वायर के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, विच शेप और पैटर्न कंप्लीट द सुपर स्क्वायर, कौन सी शेप जो है वो सुपर स्क्वायर को कंप्लीट करेगी, सर्कल द आंसर, आंसर के रूप में आपको सर्कल बनाना है। तो अब इसमें जैसे ये पैटर्न दे रखा है आपका, ठीक है, अब इस पैटर्न को देखते हुए आपको जैसे ये ए बी सी डी ये सारे डायरेक्शन, अब इसमें से ये पता करना, ये डायरेक्शन देखा, ये डायरेक्शन देखा, ये अब क्वेश्चन अपना यहाँ आ रहा है, तो इस वाले में कौन सा आएगा, जो ये दे रखा वो यहाँ पे आना चाहिए आपका, ठीक है, तो ये वाला ई वाला पार्ट हो जाएगा, समझ गए? सेकंड प्रॉब्लम आपकी, ये वापस से पैटर्न प्रॉब्लम दे रखा है आपको, इसको ध्यान से देखिएगा, ये वाला डायरेक्शन देन एंड दिस, तो ये वाला नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता है, और तो आपका फर्स्ट वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा डायरेक्शन इसमें, ठीक है, तो ए वाला आपका सही होगा। समझ में? नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, सर्कल फिर ये इस पैटर्न से आपको देखना है इसको, तो इस ये पैटर्न इस पैटर्न के बाद कौन सा आएगा आपका, ये वाला पैटर्न आएगा, ठीक है, सी वाला पैटर्न आएगा, ये वाला आ सकता है नहीं, ये वाला भी नहीं, तो कौन सा आएगा, सी वाला आएगा आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम है फोर वाली, वो बच्चों आपको सॉल्व करनी है, ये आपको मैंने एचडब्ल्यू में दे दिया है, डू सेल्फ, ठीक है, आपको ये खुद सेल्फ से करना है। तो बच्चों यहाँ तक सभी बच्चों का वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, मैंने आज आपको 6 to 9 तक की ड्रिल आपको कंप्लीट करवा दी है, अब ये आपको समझ के अच्छे से कंप्लीट करोगे, ठीक है, ये आपकी मेंटल एबिलिटी की प्रैक्टिस है, ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।